नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ पॉट्स के ऊपर। परमानेंट प्लांट्स को, जो परमानेंट फ्लावर्स के प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, उनको मैं किस तरीके के पॉट्स में लगाती हूँ। सीमेंट के पॉट में लगाती हूँ, या फिर मिट्टी के पॉट में लगाती हूँ, या फिर प्लास्टिक वाले प्लॉट में। ठीक है, तो देखिए, पहला जवाब जो होता है कि सबसे अच्छा पॉट किस चीज़ का होता है, पहला जवाब तो यही हो जाएगा कि भैया मिट्टी का ही गमला सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है मिट्टी का गमला। लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको अपना जो आज जो वीडियो बना रही हूँ, वो पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस पर ही बना रही हूँ। देखिए, जो भी कुछ भी फर्टिलाइज़र या फिर आपको मैं पेस्टिसाइड या कोई चीज़ भी कुछ भी आपको बताती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स पे खुद अप्लाई करती हूँ। जब मुझे सक्सेस मिल जाती है, ठीक है, जब मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, जब फिर मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, और ना आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको बातें बताऊंगी, मैं क्योंकि देखिए मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसी पे मैं बता रही हूँ। तो इसलिए चलिए बस फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि सबसे क्लियर है, सबसे पहला नंबर तो यही होता है कि मिट्टी के गमले सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है परमानेंट प्लांट की बात कर रही हूँ, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। परमानेंट प्लांट्स, वो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स, इंडो प्लांट्स नहीं। इंडो प्लांट्स में क्या होता है, इंडो प्लांट्स की ग्रोथ होती इतनी तेज होती है नहीं, और उनको तो आप मतलब मिट्टी के भी गमले में लगा दीजिए तो भी वो अपना चलते रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर उनकी जगह भी चेंजेस नहीं होती है, ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है, एक जगह अपना रहते हैं और शेडेड में रहते हैं, तो वो चलते रहते हैं। बस फ्लावरिंग प्लांट्स की बात है तो गुलाब को मैं हमेशा हमेशा मिट्टी के गमले में लगाती हूँ। मैं गुलाब को कभी भी प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाती हूँ। ठीक है, ये तो हो गई गुलाब की बात। अब बोगनवेलिया, ठीक है, यहीं से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, ये प्लांट अभी तो खैर ये जो है इस सीज़न में अभी शुरुआत हो रही है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए आप इस तरीके से, ये प्लास्टिक के पॉट में लगा है, बहुत चलता है, बहुत सारा इसमें फूल वूल सब खिलेगा। अभी शुरुआत हो रही है क्योंकि मार्च का ही बिल्कुल महीना है। तो मैंने जब इसमें प्लास्टिक के पॉट में इसको लगाया बोगनवेलिया को, तो ये बहुत अच्छा सा चला था। ठीक, फिर इसके बाद मैंने और बोगनवेलिया भी, ये देखिए ये बड़ा गमला है, ये मेरा मिट्टी के गमले में लगा हुआ था। आंधी हमारे यहाँ आई मई जून के महीने में, काफ़ी सारी आंधी बहुत आ जाती है जून वून में, तो ये मिट्टी के गमले में लगा था, ये टूटा जब मिट्टी के गमले, उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर रिपोर्ट करने के बाद मैंने इसको प्लास्टिक के गमले में लगाया, बहुत सही चल रहा है। उसके बाद ये देखिए कि दो प्लांट, मतलब दो प्लांट हैं ये बोगनवेलिया के, एक तो ये वाला है, ठीक है, ये देखिए एक ये है और एक ये है, ये दोनों को ही मैंने प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है, और ये देखिए एकदम सही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बोगनवेलिया। उसके बाद ये देखिए चांदनी है, ये डबल चांदनी है, ये अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, ये फूल वूल बहुत सारे निकले हैं इस टाइम। अभी मैं फटाफट से आपको बस ये देखिए, ये भी 12 इंच के गमले में, प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है। इसके बाद है मेरा ये देखिए चांदनी, सॉरी चांदनी नहीं है, ये चमेली है। चमेली को भी मैंने ये भी मेरा आंधी में टूटा था, तो मैं आपको बता रही हूँ इसमें बहुत फूल आते हैं। अभी शुरुआत है सिर्फ मार्च की, प्रोनिंग वोनिंग की है, पता नहीं आप किस टाइम में वीडियो देखेंगे। फिर अक्सर लोग बोलते हैं, अरे मैम आपके तो गार्डन में फूल ही नहीं है, तो भैया फूल इस समय मार्च का टाइम में बना रही हूँ मैं वीडियो, तो इसलिए फूल नहीं है, अभी शुरू होगी गर्मी तब होंगे फूल। तो इसमें ये भी बहुत सही चला, ये भी टूटा था, तो कई सारे मेरे गमले टूटे थे आंधी में। ये देखिए, ये मेरा है प्लूमेरिया, ये भी मैंने लगा रखा है प्लास्टिक के बड़े वाले गमले में, बड़ा बहुत बड़ा नहीं है, 12 इंच से ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है, और प्लांट आप देखिए कितना अच्छा चल रहा है। हमें मिट्टी बस इतना होता है कि मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ती है, वेलड्रेन मिट्टी हमें तैयार करनी पड़ती है। ये मेरा, ये तो खैर मिट्टी उसमें लगा हुआ है मिट्टी के गमले में, ये वाला प्लूमेरिया, तो मिट्टी का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। और इसको सबसे ज़्यादा मुझे जो, देखिए हर एक चीज़ में प्लस और माइनस पॉइंट होता है, लेकिन
मिट्टी का गमला क्या होता है कि एक लिमिट के बाद उसका जो साइज़ होता है ना वो फिर नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो जब भी हम रिपोर्ट करते हैं, जैसे अब ये देखिए मैंने ये अडेनियम को भी प्लास्टिक में ये लगा रखा है, ये अडेनियम इतना छोटा सा है, ये देखिए इसको रिपोर्ट किया था सब, ये देखिए ये भी प्लास्टिक में लगाए रखा है, ये देखिए अडेनियम, इसकी बर्ड्स देखिए, ये सब भरी हुई हैं ये सारी की सारी, ठीक है। तो ये भी प्लास्टिक में लगा रखा है, इसको भी रिपोर्ट किया था, ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे से ना किसी ने पूछा था कि मैम गमलों पे वीडियो बना दीजिए। तो देखिए मैं गमलों पे कुछ नहीं है, आपको मिट्टी चाहे आप गमले मतलब गमले ये मिट्टी वाले गमले में लगाएं, चाहे आप प्लास्टिक में लगाएं, चाहे आप सीमेंट में लगाएं, आपको वेलरे मिट्टी तो हर हालत में तैयार करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपने मिट्टी के गमले में लगा दिया, ठीक है, ये देखिए जैसा कि ये है मिट्टी के गमले में मैंने रिपोर्ट किया है, मेरा 5 साल पुराना ये वाला अडेनियम है, ये देखिए इसमें फूल, इसमें सब में बड भर गई है, ये पूरी बड भर गई है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मिट्टी, इसमें मिट्टी में तो लगाया हमने मिट्टी के गमले में, लेकिन अगर मिट्टी ही बेकार अगर हम तैयार करेंगे, इसके ड्रेनेज होल पे ही ध्यान नहीं देंगे, वही ब्लॉक रहेगा तो पानी तो भरेगा ही। तो मेन जो हम जब मिट्टी तैयार करें ना तो मिट्टी अच्छी हमें तैयार करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मेरे पूरी छत में एक यहाँ पे ये सिंगल सीमेंट का गमला है, एक इस फ्लोर पे एक है और बाकी ग्राउंड फ्लोर पे मेरे दोनों हैं। पहले बालकनी में मैंने रखा था, वो भी मैंने किसी और से फिर मुझे हटवाना पड़ा क्योंकि मेरे लिए इसको इधर से उधर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका वजन बहुत हो जाता है। फिर मुझे जैसे ये जगह आप देख रहे हैं, ये मेरा नीचे रूम है, इसकी वॉल है मतलब के ऊपर ये है, ये वाला पोर्शन है, छत है मतलब नीचे कमरा है, कमरे की जो छत है ऊपर वाला ये पोर्शन है। तो यहाँ पे फिर मैं ये सब वजन को रखती हूँ, ये बहुत वजन हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। और जैसा भी मेरे पुराने जितने व्यूवर्स हैं ना उनको पता है कि मैं अपने गार्डन का सारा जितना काम होता है वो सब मैं खुद करती हूँ, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है इनको इधर से उधर, उधर से इधर करने में। और प्लास्टिक वाले गमलों को इनको मुझे इधर से उधर उठाने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि ये इधर से उधर करने में ज़्यादा आसान होते हैं पल, और दूसरा ये होता है कि एक आंधी में ये टूटते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो इतनी दिक्कत हुई, मतलब मैंने फरवरी में पहले रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर बहुत सारे प्लांट की, उसके बाद फिर वो जून में 3-4 प्लांट टूट गए, गुड़हल भी टूटा था, तो गुड़हल को भी मैंने रिपोर्ट किया था। तो इसलिए प्लास्टिक का एक तो फिर वैसे टूटता नहीं है, जल्दी नहीं टूटेगा, बहुत ज़्यादा धूप पे रखा रहेगा तो कोई भी चीज़ ख़राब तो सब चीज़ होती है। तो अब जैसे ये वाला मेरा ये बोगनवेलिया है, अब ये तो खैर मिट्टी में लगा हुआ है, और जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, मैं उनको नहीं ज़्यादा छेड़छाड़ कर रही हूँ। अब जैसे ये सारे जो भी ये प्लांट हैं परमानेंट प्लांट है, ये देखिए कनेर है, तो अब ये इतना, ये देखिए मैंने कहाँ लगाया हुआ है, ये देखिए जैसे अब इतना बड़ा गमला लगा है, इतने बड़े, अब मान लीजिए मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो जब रिपोर्ट करना पड़ेगा तो मैं सेम इसी साइज़ के ही मिट्टी के गमले में इसके रूट की प्रोनिंग वोनिंग करके फिर इसी में ही रिपोर्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि इससे भी बड़ा मिट्टी का गमला ज़्यादा बड़ा मिलेगा ही नहीं, सीमेंट का आपको मिल जाएगा और प्लास्टिक का बड़ा गमला मिल जाएगा, लेकिन मिट्टी का गमला ना फिर इससे बड़ा और कहाँ तक मिलेगा आपको, 16-18 इंच इससे ज़्यादा बड़ा गमला नहीं मिलेगा। और देखिए जैसे अब ये हर श्रृंगार का है, अब इसको भी बड़ा पेड़ होता है ये, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम परमानेंट प्लांट लगाते हैं तो रिपोर्टिंग बहुत करनी पड़ती है, और हम अपनी छत पे बहुत ज़्यादा सीमेंट का गमला रख करके इनको यहाँ पे छत पे लोड भी नहीं बढ़ा सकते हैं परमानेंट प्लांट्स लगाना है तो। और ये सारे मेरे ज़्यादातर मेरे पास परमानेंट प्लांट ही हैं। अब जैसे ये वाला है ना मेरा इसको कनेर, ये तो पिंक वाला है, और एक मेरा वाइट वाला था उसको मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है, बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर दिया है, वो बाद में किसी समय आपको और दिखाऊंगी, उसको सीमेंट वाले गमले में लगाया है। तो छत पे तो भैया रखने वाला होता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भारी भारी सीमेंट के गमले रख लें, तो मेरे लिए तो वो नहीं आसान है। और मिट्टी के गमले क्या होते हैं कि ये सब बड़े बड़े जैसे परमानेंट प्लांट लगा रखे हैं, अब ये देखिए इसकी हाइट है इतनी ज़्यादा है, ये देख रहे हैं
इतनी ये अच्छा खासा ये हो गया है, 6 फिट का तो हो ही चुका है, 6-7 फिट का हो गया है ये मेरा ये वाला कनेर। तो अब बड़ा मुझे दिक्कत होती है जब आंधी आती है ना, थोड़ा सा भी जरा सा रहता है, वैसे तो मैं इसके ऊपर रखती हूँ इसको, फिर मैं थोड़ा साइड मुझे रखना पड़ता है कि भैया ये भी ना टूट जाए। तो ये सारे गमले बड़े जल्दी जल्दी एक तो रूट बाउंड होते हैं, अगर आप इनको रिपोर्ट नहीं करोगे तो ये सीधे गमले ही तोड़ देंगे, इनका ये भी होता है, ये गमला आपका टूट जाएगा इस तरीके से अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो। तो मेरा ये थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने बता दिया, हो सकता है मेरे बताने के तरीके में कुछ अजीब सा हो, नहीं समझ में आया हो, क्योंकि मैं वो एडिट वेडिट नहीं कर रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बस वही वही चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको जो मर्जी हो आप लीजिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। अब जैसे मेरी जो छत है ना, यहाँ पे जरा सा भी सब तरफ से साइड साइड सब तरफ से खुली हुई है, तो आंधी वाधी आती है ना तो बहुत तेज यहाँ पे, मतलब मुझे नीचे मैं रहती हूँ तो मुझे लगता है ये भगवान मेरे पता नहीं कितने गमले टूट रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्टैंड में लगा लिया करो, पर ये है कि स्टैंड में आप बताइए इतना बड़े बड़े गमले कहाँ लगा लूँगी, इससे बड़ा गमला मिट्टी का नहीं मिलेगा, इससे बड़ा गमला आप नहीं उसको मैनेज कर सकते। तो मुझे यही ठीक लगता है, मुझे तो अब जैसे मैं खरीदूंगी अगर अपने प्लास्टिक वाले प्लांट्स के लिए, तो मैं भैया यही खरीदूंगी, क्योंकि मिट्टी मैं ऐसी ही तैयार करती हूँ, प्लांट मेरे हमेशा हेल्दी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये रहती है कि मुझे ही करना है गार्डन का काम, तो जब मुझे करना है तो मुझे पता है कि भैया मुझे कौन सी चीज़ आसान पड़ेगी, कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है, ये मुझे मालूम है। तो बस यही है, फिर भी मिट्टी के गमले सबसे अच्छे होते हैं, लास्ट में यही है, सबसे अच्छे होते हैं मिट्टी के गमले। और जो सीमेंट वाले गमले होते हैं ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे रखने के लिए होते हैं, जैसे जिन लोगों के पास बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, पोर्चेज होती हैं, तो वहाँ पे अच्छा रहता है। चलिए चलते चलते मैं आपको कूड़े में लगा हुआ मेरा फूल भी दिखा दूँ। फिलहाल तो ना तो ये भैया मिट्टी का है, ना ये प्लास्टिक का है, ना सीमेंट का है, ये तो है कार्डबोर्ड का। तो ये देखिए, और ये लगा हुआ है कूड़े कचरे में, इधर मैंने वो भी लगा रखी हैं, ये मॉस रोज़, अभी थोड़ा सा गर्मी हो ना उसके बाद ये फिर इनकी ग्रोथ बढ़ेगी। और हाँ भाई, अगर मेरा थोड़ा सा बोलने का तरीका अजीब लगा हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आराम से बैठ के नहीं बना रही हूँ वीडियो, अलग से आवाज़ को नहीं इसमें डाल रही हूँ, जो बोल रही हूँ बस क्लियर साफ मतलब सामने बोल रही हूँ, और इसको बस अपलोड कर दूँगी ऐसे, मैं कोई एडिट वेडिट नहीं करूँगी, ठीक है, थैंक यू।